वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय बल्लेबाजों पर BCCI ने कमर कसी है। BCCI का कहना है कि इन खिलाड़ियों को क्रिकेट कमेंट्री या IPL में से किसी एक को करने की अनुमति है। ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, मोहम्मद कैफ और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी IPL का हिस्सा हैं और ये IPL का हिस्सा होने की वजह से कमेंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। सचिन तेंदुलकर मुंबई तो सौरभ गांगुली और मोहम्मद कैफ दिल्ली कैपिटल्स, VVS लक्ष्मण हैदराबाद के साथ IPL के साथ जुड़े हुए हैं। जब से COA का गठन हुआ है तब से ये बात ज्यादा उठ रही है। BCCI के एक अधिकारी ने इस मामले की शिकायत की थी। अधिकारी का मानना है कि ये खिलाड़ी लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को नहीं मान रहे हैं। सिफारिशों को मानते हुए राहुल द्रविड़ ने IPL छोड़ा, जिसके बाद उन्हें इंडिया ए और U19 का कोच बनाया गया। पहले भी CSE के नियमों के उल्लंघन पर VVS लक्ष्मण और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर सवाल उठाए गए हैं कि ये दोनों खिलाड़ी CSE के सदस्य होने के साथ साथ IPL में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि सचिन तेंदुलकर, गांगुली समेत ये भारतीय खिलाड़ी BCCI की बात मानकर कमेंट्री छोड़ेंगे या IPL, ये वक्त रहते ही मालूम होगा। मेरा नाम है जिब्रान और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल। स्पोर्ट्स से जुड़ी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ही। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।